नमस्कार फ्रेंड्स, मुलिपु स्वागत करुच्ची आम चैनल ओडिया टेक्टिव्स को। आज भी आपड़ो जबरदस्त सेकेंड हैंड गाड़ी देखिपारे, बढ़िया प्राइसिंग अच्छी ना जानापी हेल्ले लोकेशन को आपको जमीन आसा पड़ो। बर्तमान आज आसिक आम पहुँच जाइ कार बजार। कार बजार आम भाई अच्छा कौन भाई ना राजेश भाई, सॉरी नाड़ भूल जाइए, राजेश भाई अच्छा आ सब जबरदस्त गाड़ी थुआ है। प्राय सब गाड़ी व्हाइट कलर मिक्स कलर आ गाड़ी कितना मिक्स सेगमेंट आपको ये देखा मिले। राजेश भाई नमस्कार। नमस्कार, कौन के भाई हालचाल चलती बर्तमान? हाँ चलती सेमती भल। लोक रेस्पन्स के देखु ना? रेस्पन्स भल अच्छी। प्रायत एबिका मार्केट में मुझे जी स्टडी कला जे लोक प्रायत कौन जी गाड़ी किणवार अच्छे आग यूट्यूब देखा तापर जाए कि जे कह अधिक गाड़ी किए पकाच किए अधिक भिड कराखे कौन कौन गाड़ी अच्छी आग यूट्यूब देखुं देन आस गाड़ी भल रेस्पन्स अच्छे यूट्यूब मल्टीपल चॉइसेस मिल जाए। राजेश लोकेसन कौट कार बजार? लोकेसन हो भुवनेश्वर सम हस्पिटाल, समस्त जी जहाँ कहले भी जापर सम हस्पिटाल 500 मीटर पूर्व पड़ो राइट साइड रे रोड उपर पड़ो कार बजार नाई तो जो कलिंग स्टूडियो पटू आस 600 मीटर आगे आसला रईट साइड रोड उपर ही अच्छी कार बजार तथा जो पाइक असुविधा होती बेस्ट जिन पूरा पिन पॉइंटेड लोकेशन भी अच्छी तथा जो कि जापार ना असुविधा रोचे स्क्रीन नंबर अवेलेबल कर देवी भाई फोन करके आसिकी पहुँची पारे आम चैनल एन सब जबरदस्त गाइडर भिडियो देखा आम चैनल ओडिया टेक टिप्स को सब्सक्राइब करूँ। भिडियो यदि भल लगे लाइक और शेयर करूँ। इंस्टाग्राम आईडी भी आपको स्क्रीन में दीदी जैसे चैनल को फॉलो करेंगे। आज जब एमती सब गाड़ी आम शोरूम जी नौ बाइंग एक्सपीरियंस भिडियो देखापी हेल्ला तले नंबर आमुक भी कंटाक्ट करेंगे। भिडियो को लेकिन मतामत कौन रहा प्राइसींग केमती अच्छी सब जिन आपको कमी लगेगा जेन मतामत देवा न भूलं। फास्ट गाड़ी आम अच्छी ग्रे कलर हुंडई भर्ना अच्छी। एटा भाई कौन के अच्छे गाड़ी? एटा अच्छी हुंडई भर्ना 2018 मसीहार गाड़ी आज्ञा। फास्ट ओनर गाड़ी अच्छी हुंडई भर्ना 1.4 सीआरटी इंजन अच्छे। ये गाड़ी में आपको कहीदे गाड़ी में एक्स्ट्रा लगी टायर मानने आउटसाइड फिटेड टायर लगी बड़ बड़ चका लगी प्लस आप सब जगह 5 टायर पूरा न्यू पाइबे आउटसाइड फिटेड आलोहिल पाइबे तापर आप स्क्रीन टच र म्यूजिक सिस्टम पाइबे एंड्रॉइड वाला एंड्रॉइड जमी मोबाइल यूज करते हैं जहाँ सेम एंड्रॉइड वाला म्यूजिक सिस्टम पाइबे बैक कैमेरा पाइबे सबकि जहाँ फीचर्स दरकार सबकि फीचर्स इतने पाइबे। 2018 गाड़ी फास्ट ओनर गाड़ी अच्छी डीजेल वर्ष 18 डीजेल डीजेल माइलेज के आस माइलेज 18 भर्नार जहाँ भी 18 मिनट आस 1.4 अच्छे ना आराम से आसो। आउ आप कह फास्ट ओनर हिसाब से गाड़ी कंडीशन के कंडीशन कौन आम पाखे जेको गाड़ी खाली गोटे गाड़ी कथा कहूँ जेकोसी गाड़ी आम पाखे भी आसतु भिजिट करूँ देखूँ गाड़ी कंडीशन जमीती हेल्ले भी आपको कंडीशन भल लगे कहीं कंडीशन आम कौन गाड़ी में कंप्रमाइज ना कंडीशन गोटे कस्टमर सेकेंड हैंड गाड़ी नौचे कितु न्यू गाड़ी तापी तो सीटा फास्ट गाड़ी मानते नुआ गाड़ी से नौ तो से नुआ गाड़ी नेबार फिल फिल नहीं नौ तो से सब गाड़ी ऑल गाड़ी जितिय गाड़ी आम पाखे अच्छी सब जगह गाड़ी पूरा टॉप टॉप कंडीशन में रखाई आम भी प्राय सब भिड कर गाड़ी सब भल कंडीशन में टिप टॉप रे ही गाड़ीटा देखा जाए कि मेन जिनस जो गाड़ी इंजन कथा सब जिन जानापी गाड़ी नाक जब इच्छुक शोरूम को आसे निश्चिंत भाव में मेकानिक नहीं आसतु आपन निजे भी चलिए जब जापर जब कौन असुविधा अच्छे जब किसी एपट सपटे आप कहे अपडेट करेंगे। आम कह ये गाड़ी प्राइसिंग के यार प्राइसिंग अच्छे 8 लाख टाँ 18 1.4 हाँ 1.4 सीआरडी मॉडल अच्छी सब जहाँ गोटे कस्टमर को जहाँ दरकार जो टायर 5 नुआ पाए आउट साउट फिटेड लगी मैंने एक्सट्रा इंचेस वाला मानने टायर लगी से भी भल रहा आप आलोइल भी लगे जोटा कि 1.4 आसे जोटा कि इतने सब लगिकी अच्छी 1.6 आसे 6 मॉडल तो 1.4 आसे कि सब अपडेट होकर रखाई नेबे तेल पकेबे चलेबे किछि टंका दे पैसा खर्च ना 8 लाख टाँ 8 लाख अच्छी सेटा भी नेगोशिएबल भलो प्राइस करि देबी भाई थ्रु चैनल थ्रु आसले भी बहुत भलो डिस्काउंट करके देबी गोटे थर विजिट करंतु गाड़ी निजे देखंतु चलांतु तापर जानि परबे प्राइसिंग कोन हो हमर भाई केते टका तथा मिनिमम डीपी लागियो डीपी आपनको 1.5 लाख रु दिले हेतले हे जइबो 1.5 लाख 2 लाख केते 4 5 वर्ष हे परियो आराम से 5 वर्ष हे जइबो एवरेज कॉस्टिंग ईएमआई केते आसी एवरेज एवरेज जे कोनोसी गाडी रो कहुतली जेमती पूर्व वीडियो रे भी कहिछि कोटे जे कोनोसी गाडी जदि आपन लाख टका दे लोन करछन 3 वर्ष पई तले 3500 आछि जदि 5 वर्ष पई सेटा कर देबे तले आपनको 2000 समथिंग आसीबो तो से अनुसार आपड़ जी टाँग डाउन पेमेंट देते आज जी लोन करेंगे मन कर 5 लाख लोन कले से अनुसार आपको आसीज जहाँ भी 10-12 हजार भाई जेन कहले आम सब कथा तथा आपड़ा बुझार किसी ना भी असुविधा होती रिफाइनान्स कर नाक चाहते आम जो रिफाइनान्सर अच्छे ये कार बजार सब ताकि भल सब डिटेल्स बुझिकी तापर ही प्रोसीड करूँ आगे
तेरे ये आम आउ गोटे अच्छे स्विफ्ट डिजायर कि फ्रंट्रु देखे आप लगे स्विफ्ट डिजाइन टाइम स्विफ्ट भी भल देखा जाए भाई आम स्विफ्ट डिजायर भी अपडेट कर देखते यहाँ न्यू मॉडल अच्छी आज्ञा एक न्यू मॉडल गाड़ी किंतु न्यू मॉडल 2019 पर बम्पर चेंज होता मॉडल टी चेंज होता यहाँ कितना 2017 गाड़ी अच्छी 17 स्विफ्ट स्विफ्ट डिजायर खाली अच्छी स्विफ्ट डिजायर VXI मॉडल मारुति डिजायर VXI यार कितना बम्पर आपंकर न्यू मॉडल लगी तो एबका मॉडल जो बम्पर चलुच्छे से मॉडल लगी 2017 फास्ट ओनर गाड़ी पेट्रोल पेट्रोल गाड़ी पेट्रोल अच्छी ये माइलेज ये माइलेज आपको पेट्रोल जहाँ भी 18 खंड पलि आस मारुति गाड़ी तो आसो 18 आस VXI ना कौन VXI VXI फीचर सबकि जमीती आर गाड़ी कहली 4 पावर विंडो पावर स्टीयरिंग सेंटर लगे सबकि जहाँ फीचर गाड़ी की दरकार एयर बैग आराम करके सब पाइज गाड़ी कह 70 चल जाइए रनिंग 40,000 अंडर चली 40,000 भितर 40,000 17 गाड़ी VXI पेट्रोल गाड़ी आपन अछि फास्ट ओनर फास्ट ओनर गाड़ी गाड़ी अछि आपन आसंतु निजे चेक करंतु गाड़ी रो मेन बॉडी देखि गाड़ी नियंतुनी इंजन ट्रांसमिशन आमरो स्टीयरिंग हो कि सस्पेंशन हो सब दिन से चेक करि कि आपन चाहिले जे कोनोसि मारुति रु भी मैकेनिक नै कैस परिबे प्लस आपन निजे भी जदि जानिछन सेटा भी निजे देखि नै परिबे एतिके सियोरिटी आपन आसंतु गाड़ी देखंतु इंजन कंडीशन आ बॉडी कंडीशन हिसाब रे गाड़ी कंडीशन A1 कंडीशन पाइबे जतियो गाड़ी बनौछ आ तो सर प्राइसिंग केतरो सर प्राइसिंग आरो अछि 6,85,000 आगे सेटा नेगोशिएबल भलो प्राइस कर देबा 6,85,000 आ भाई लोक कहबे कान प्राइसिंग हिसाब मार्केट हिसाब कह भाई हमरो 17-18 डिजायर VDI से टाँचा पेट्रोल गाड़ी कहीं देते टाँग ना हाँ पेट्रोल गाड़ी में आपको एया बेनिफिट पेट्रोल गाड़ी में मेंटेनेंस कॉस्ट कम आउ द्वितीय हूँ मारुति कौन गाड़ी आउ डीजल आसुना जेकोसी गाड़ी नि पेट्रोल आगे भी बहुत गाड़ी पेट्रोल ही सब प्राय गाड़ी सब कंपनी मैंने करेंगे तो जेहेतु मानने पल्यूशन तो पेट्रोल गाड़ी हिसाब से आपको मेंटेनेंस फ्री पाइबे पेट्रोल गाड़ी में आपको भड़ा प्रपोज भी जो कहते जो मैंने बहुत यूज करने भी नहीं पारे किसी असुविधा कहीं मारुति माइलेज भी भल दबा तो पेट्रोल हिसाब से बेटर रहा है 6,85,000 अच्छी बढ़िया डिस्काउंट करके देवी आसतु फास्ट फुड 6,30 हम आसतु देखिया करदे आपदे भाई कहले जदि आसिक ना कहे कि ओडिया टेक्निक्स देखिक आस कहे तो मुदेवी मुझे फाइनाल प्राइस रखी यार 6,50 कितु आपको देदेवी जदि आप थ्रु आस कह तथा तो मिनिमम डीपी के लगे डीपी आपको सही 1.5 लाख भाई देखे देखते 5 वर्ष हो पारे हाँ आराम से आधे ईएमआई के सेम आराम से 10,000-12,000 भाई जमी कहल गोटे आवरेज कस्ट आप बढ़ी भी पारे कमी पारे भाई आम पाखे जो फाइनान्सर भी अच्छा इंटरेस्ट रेट हिसाब से कहीदे क्या पाखे कौन थी कहीपरि आमर 7 पॉइंट रू स्टार्ट होगी आपको 10% रोज आप प्रोफाइल पर डिपेंड करुच्छे आपको केत परसेंट लगे प्रोफाइल जदि सेम स्ट्रंग थी 7.5 रे भी आपर हो जा कार बजार बर्तमान RC ट्रांसफर के समय लगे RC ट्रांसफर पर जेकोसी गाड़ी अभी जानते भुवनेश्वर हो कि जोकोसी RTO हो जोसी RTO रे सब टोकन सिस्टम हो लोकों माइंड सेट सेम डे नियो सेम डे डेलीवर कर दि सेम डे ओनरशिप सेम डे ओनरशिप एक्चुअली हुए कहीं कर भी पारे कहीं जदि आप इलिगल जी से कहींपर लिगली जाऊँगी तो आपंकर जहाँ भी आप्लाई है सी टोकन देते ये डेट्रे आई डेट्रे नहीं पेपर सबमिट कले हाँ जहाँ भी 15-20 भितर लगे 15-20 दिन समय दिखते RC ट्रांसफर जो दूर आ भाई भी चेष्टा कर गोटे विक भितर करदेपेटे शीघ्र आमर कहवा दिन RC ट्रांसफर कहीदे भाई लगुच 15-20 दिन मसे धरिकी चलन आउ तबे कहवा रिफाइनेंस प्रोसेस तो के लगे रिफाइनेंस जदि आपंकर भुवनेश्वर कटक खोर्धा लोकेशन ये पाखापाखी लोकेशन 100 किलोमीटर भितर रोच तो सेटा आपको 3-4 डेज भितर हो दूर दूर है 5-6 डेज लगे सप्ताह धरिकी चलन तो ये आउट आउट स्विफ्ट डिजायर भी अच्छी आउ एटा सिल्वर कलर अच्छी एटा भाई पेट्रोल ना डीजल अच्छी एटा भी पेट्रोल अच्छी ZXI मॉडल अच्छी टॉप मॉडल स्विफ्ट डिजायर ZXI मॉडल अच्छी ZXI मॉडल मैंने तार सब किसी फीचर्स पाइबे अलॉयल्स टू आरंभ कर एयरबैग ABS ZXI प्लस VXI प्लस कर ZXI ही 2013 गाड़ी अच्छी फास्ट ओनर गाड़ी अच्छी सिल्वर कलर गाड़ी सिंगल प्रॉब्लम ना गाड़ी में ने तेल पक चल इतने भी स्क्रीन टच म्यूजिक सिस्टम प्राय गाड़ी में स्क्रीन टच म्यूजिक सिस्टम पाइबे आउ गाड़ी भी कैमेरा फैमेरा सब लगे अप टू डेट कंडीशन अच्छे आउ कह गाड़ी चल जाइए हिसाब से 13 हिसाब से चली पेट्रोल अच्छे 65 ना कौन चलती हाँ 65,000 चली आम कह गाड़ी तथा पाखापाखी के 9 वर्ष पाखापाखी 9-9.5 वर्ष रही किंतु आउ गोटे जिनस ए जो नंबर भी चेंज ODI नंबर भी हो ODI 02 AX नंबर एबकार नंबर पाई किंतु बाकी गाड़ी हूँ 13 जोटा जेन्युइन जेन्युइन गाड़ी 13 भाई जमी कहे ए गाड़ी माइलेज के माइलेज से 18 बेले आस पेट्रोल गाड़ी 18 बेले आस फास्ट ओनर अच्छे फास्ट ओनर गाड़ी आ कत रखी गाड़ी आर प्राइसींग अच्छी 4,40,000 सेटा नेगोशिएबल भल रेट करदे
4,40,000 नेगोसिएशन एटा फाइनेंस हे के हां फाइनेंस हे केते वर्ष पे हे पे फाइनेंस आपनकर ए गेट रे वर्षे रु 2 वर्ष भीतर वर्षे रु 1.5 वर्ष भीतर हबो वर्षे 1.5 वर्ष दिन फाइनेंस हे जो मिनिमम डीपी केते थे लागि जो लक्ष टा लक्ष दे लक्ष टा देले भी हबो काई ना मु काई कहे चाहू छी ए गाडी रे जदी आपन टिके डीपी बढे देबे बेटर आपन पे काई ना जते डीपी इतरे वर्षे 1.5 वर्ष जेहेतु लोन हबो तो आप डीपी जदि कम दौंती कम देने हम कि कम देने आपर ईएमआई टा से अनुसार अधिक पड़ जाए तो डीपी आई थी बढ़ेदे आपको ईएमआई टा कम आज बजेट अच्छे गोटे कह 4,00,000-4,50,000 भितर गाड़ी पेट्रोल डीजल खोजुँ अच्छी 13 पर्सनाल यूज पे भी बहुत भल रही क्या पेट्रोल पर बेस डिमांड लोक पर्सनाल यूज पे जो आप मैंने कम न कर गए आउटसाइडर आ गए गाड़ी किनवाक चाहूँ से व्यू हिसाब से देखिए आप 13 हिसाब से आपंकर गाड़ी पेट्रोल रोचे जेड एक्स 4,40 मानते प्राइसिंग जस्टिफाई हो 4,40 प्राइस जस्टिफाई आम प्रथम कही कंडीशन डिपेंड करें जदि 2019 गाड़ी जो कंडीशन जब आप खराब थी तो से गाड़ी आप प्राइस आम हाई रखीदे हमें तो कंडीशन गाड़ी जेको गाड़ी कंडीशन डिपेंड कर तार प्राइसिंग तो आउ मार्केट डिमांड उपर भी डिपेंड कर स्विफ्ट डिजायर जो प्राइस हम आउ अलग गाड़ी भी से प्राइस हमने जमी आमेज फैमेज देखले भी से प्राइस रिसेल वैल्यू जहाँ भी डिपेंड कर भाईजन कहते आपंत गोटे कथा आप ऑन द टेबल भाईजन कौन बारंबार फोर्स कर ऑन द टेबल भल नेगोसिएशन आप गोटे थर आसतु बसंतु सामने बसंतु निजे गाड़ी चल देखी सारंतु मो सामने बसंतु प्राइस आपड़ जहाँ कहे से अनुसार भल प्राइस आपको सुहला बेल मत भी सुहला बेल भल प्राइस कर भाईजन से कहला आपको सुहला बेल मत ना कि आप जो टोटाली कहे जमीन से शोरूम सब गाड़ी रोचे से आप गए मीडियम जब प्राइसिंग कर आराम से रिफाइनान्स भी इन्सुरांस के रोच गाड़ी सब गाड़ी पेपर आम कौन गाड़ी अप टू डेट सब गाड़ी अप टू डेट हो कौन गाड़ी पेपर प्रोब्लेम ना जदि बैचान्स को गाड़ी में आपंकर इन्सुरांस आपंकर एक्सपायरी होमें से इन्सुरांस कर कस्टमर को प्रोवाइड कर भाई जेन कल इन्सुरांस टा गाड़ी सह ही एटू डिलीवरी डिलीवरी हम मिले आउ गोटे भी स्विफ्ट डिजायर अच्छे यहाँ कौन अच्छे यहाँ भी अच्छी स्विफ्ट डिजायर वीडीआई मॉडल अच्छी डीजल वर्सन अच्छे तो डीजल वर्सन में डिजायर वीडीआई मैंने सब फीचर जमी सीतर जहाँ फीचर सेम फीचर सीतर पाइबे बाकी इतने आलोईल आस जेड एक्स आई आलोईल आसोईल आसवनी किंतु आपंकर वीडीआई रे जहाँ फीचर्स आसा कथा 4 पावर विंडो पावर स्टीयरिंग सेंट्रल लॉकिंग सिस्टम पावर मिरर जहाँ दरकार सबकि आसीजो आ कह गाड़ी चल जाइए कि रनिंग यार 60,000 भाई रनिंग 2015 गाड़ी फास्ट सॉरी सेकंड ओनर गाड़ी 15 सेकंड ओनर भाई जमी क्लीयर कले मेन कथा खास कर आप खोजते डीजेल वर्सन गाड़ी अच्छी वीडीआई गाड़ी अच्छी सेकंड ओनर आ गाड़ी कंडीशन कंडीशन तो प्रथम कही गाड़ी कंडीशन A1 पाए जेको गाड़ी अल्टो नि मारुति 800 भी नि कंडीशन आम पाखे से सब गाड़ी A1 पाए आमर कहबा ए गाड़ी एवं माइलेज आस माइलेज यार चाहे भी 23-24 20 प्लस 100% डीजेल गाड़ी मारुतिर 20+100% पेट्रोल गाड़ी हेले तार सीसी वाइज जो गाड़ी जहाँ रहा से अनुसार डीजेल जब जाऊँ पेट्रोल तेल आपको माइलेज 18-19 भाई आसो कि डीजेल आपको 20+100% आसपाई गाड़ीटा भी फेमस आम पर्सनाल नंबर लोक टैक्सी पापा जी बहुत यूज करते प्रायत स्विफ्ट डीजायर कि डीजायर जहाँ लोक मैंने नौ बोथ पर्पज पे ही यूज करते पर्सनाल यूज बहुत कम रेयर कि बोथ पर्पज पे बहुत यूज करते कत रक्षण 15 यार प्राइसिंग अच्छी 4,99,000 सेटा भी नेगोसिएबल भल प्राइस कर 4,99,000 गोटे आम ऑफर प्राइस भाया लगुच्छे नेगोसिएशन भी अच्छी आईटा भाई कैसे डीपी लगे सेम लक्ष दे लक्ष दे लक्ष दे डीपी देखिए डीजायर वीडीआई आपड़ जमीन खोजुँ 15 यहाँ कह जो सेकेंड जेनेसन जो डिजाइन आसाला से ही डिजाइन रिड़ीटा भी अच्छी ह्वैट कलर भी अच्छे आप डुआल पर्पज भी सुविधा हम आते वर्ष फाइनान्स हो पारे 5 वर्ष तो हो ना 5 वर्ष ये 15 गाड़ी 3 वर्ष तो आराम से 12,000-14,000 पाखे आस ना आप 1,50,000 देना 1,50,000 जब आप दौरान आउ बाकी रहा कैसे आप 5 लाक्स हिसाब कले 5 लाक्स हिसाब कले आप रहा 3.5 रे आप जब लोन करुँच 10,000 भितर आस 10,000-11,000 भितर 10,000-11,000 भितर आस भाई जन कहते हैं आरसी ट्रांसफर आप 20-25 दिन धरिक चल आरसी ट्रांसफर भाई जो आम भिवर्स देते पैसा मानने आप तरफ से मिले ना 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 से जेको गाड़ी आम फाइनाल करवा मुझे आम आरसी ट्रांसफर आम समस्त फ्री रखीचु प्लस इन्सुरांस जब कौन गाड़ी सजाई से कस्टमर को फ्री फास्ट पार्टी ना कौन जो आप फाइनान्स नौते फास्ट पार्टी आपको मिले जब आप क्या नौ थर्ड पार्टी कैसे थर्ड पार्टी स्विफ्ट डिजायर गोटे थी आम वीडीआई डीजल
ଫାଷ୍ଟ ପାର୍ଟି କି ଥାର୍ଡ ପାର୍ଟି ସେଟା ଡିଲ୍ସ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି, ଡିଲ୍ସ ଉପରେ ପ୍ରାଇସିଙ୍ଗ ଉପରେ, ପ୍ରାଇସିଙ୍ଗ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି, ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି। ଏଠି ଗୋଟେ ଭୋକ୍ସୱାଗନ କ'ଣ ଭେଣ୍ଟୋ ଅଛି? ଭେଣ୍ଟୋ ହ୍ୱାଇଟ୍ କଲର୍ ଗାଡ଼ି ଅଛି। ଏଇଟା କେଉଁ ଲାଇନ୍, ଆମର ହାଇଲାଇନ୍ ନା କ'ଣ କମ୍ଫର୍ଟେବଲ? ଏଇଟା ଅଛି ଭୋକ୍ସୱାଗନର କମ୍ଫର୍ଟ ଲାଇନ୍ ଅଛି। ଆମର କାଲି ହିଁ ଷ୍ଟକ୍ ଆସିଛି ଏ ଗାଡ଼ି, ତ ଭୋକ୍ସୱାଗନ ଭେଣ୍ଟୋ 1.6 ଅଛି। ଏଇଟା 1.6 ଡିଜେଲ, ଡିଜେଲ ଡିଜେଲରେ ଗାଡ଼ିଟି ଅଛି। ଆଉ ୟା ମାଇଲେଜ୍ କଥା କହିବା, ୟା ମାଇଲେଜ୍ ଯାହା ହେଲେ ବି ସେଇ 16-17। ଗାଡ଼ି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଗାଡ଼ି ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଯଦି କହିବା ଲେନ୍ଥ, ଆମର ସ୍ୱିଫ୍ଟ ଡିଜାୟର ହଉ ଭେଣ୍ଟର ହଉ ସେମ୍ ରହୁଛି, କିନ୍ତୁ ଏ ଗାଡ଼ିର ପର୍ଫମାନ୍ସ ସବୁଠୁ ଟପ୍ ଟପ୍ ରହିବ। ହଁ, ଆଉ ଏ ଗାଡ଼ି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି କି ସେମ୍ ଗାଡ଼ି ଭଳିଆ ଦେଖାହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଗାଡ଼ି ବହୁତ ଡିଫରେନ୍ସ ରହିବ। ଆଉ ଆପଣ ଯଦି ଗାଡ଼ି ଚଲେଇବାକୁ, ଡ୍ରାଇଭିଂ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ଡ୍ରାଇଭିଂ କରିବାକୁ, ଏ ଗାଡ଼ି ପ୍ରିଫର୍ କରିପାରିବେ। ଡିଜେଲ୍ ବି ଅଛି, ଡିଜେଲ୍ ଭର୍ସନ୍ କମ୍ଫର୍ଟ ଲାଇନ୍ କେଉଁ ଇୟର ଅଛି? ଏଇଟା ଅଛି 2011 ଲାଷ୍ଟର ଗାଡ଼ି ଅଛି। 11 ଲାଷ୍ଟର ଫ୍ୟାନ୍ସି ନମ୍ବର ବି ପାଇବେ ଏଇଥିରେ, ଆଉ 11 ଲାଷ୍ଟର ଗାଡ଼ି ପାଇବେ। 1.6 ଯେହେତୁ ଅଛି, ଆର ପର୍ଫମାନ୍ସ ବହୁତ ଭଲ, ପିକଅପ୍ ବହୁତ ଭଲ, ଆଉ ରୋଡ଼ ଗ୍ରିପିଂଟା ଭୋକ୍ସୱାଗନ ଗାଡ଼ିର, ଖାସ କରିକି ଭୋକ୍ସୱାଗନ ଗାଡ଼ିର ରୋଡ଼ ଗ୍ରିପିଂଟା ବହୁତ ଭଲ ରୁହେ। ରୋଡ଼ ଉପରେ ଚଲେଇବା ପାଇଁ ତା'ର କମ୍ଫର୍ଟଟା ପୁରା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ଆଉ ବାକି ସେଡ଼ାନ୍ରେ ରହୁଛି ଯେହେତୁ ଫୁଲି କମ୍ଫର୍ଟେବଲ୍ ପଡ଼ିବେ। ଆଉ 1.6 ରହୁଛି କମ୍ଫର୍ଟ ଲାଇନ୍, ଚାଲିଛି କେତେ ରନିଂ ହେଇଛି? ସରି, ରନିଂ ହେଇଛି ଆରାଉଣ୍ଡ ସେଇ 65-70 ଭଳିଆ, 70,000 ଭିତରେ ଚାଲିଛି। ଫାଷ୍ଟ ଓନର, ଫାଷ୍ଟ ଓନର ଗାଡ଼ି। ଆପଣ ଡିଜେଲ୍ ହେଉଛି ଭାଇ, ଏ ଗାଡ଼ି ଗୁଡ଼ା କ'ଣ ହୁଏ ନା, ଆମର ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ, ଲୋକ ଡରନ୍ତି ନେବା ପାଇଁ, କାହିଁକି ନା ଆର ଯେଉଁ ପୁରୁଣା ଗାଡ଼ି ଗୁଡ଼ା ଡିଜେଲରେ କହିବା, ଆର ଟିକେ ପଇସା ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ଟିକେ ମାଗିଦିଏ। ଏ ଗାଡ଼ି କଣ୍ଡିସନ କେମିତି ଅଛି? କଣ୍ଡିସନ ଉପରେ ଗଲେ କଣ୍ଡିସନ ପୁରା A1 ଅଛି। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଭୁଲ ହେଇଗଲା, ଏଥିରେ ଫାଷ୍ଟ ଓନର ନୁହେଁ, ଏଇଟା ସେକେଣ୍ଡ ଓନର ଗାଡ଼ି ଅଛି। ସେକେଣ୍ଡ ଓନର ଗାଡ଼ି ଅଛି, ଆଲୋଇଲ୍ସ ପାଇଯିବେ, 4 ପାୱାର ୱିଣ୍ଡୋ ପାଇବେ, ପାୱାର ଷ୍ଟେରିଂ ପାଇବେ, ସବୁ ଫିଚର୍ସ ପାଇବେ, ସ୍କ୍ରିନ୍ ଡୋର୍ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ପାଇବେ, ବ୍ୟାକ୍ କ୍ୟାମେରା ପାଇବେ, ଫ୍ୟାନ୍ସି ନମ୍ବର ପାଇବେ, A1 କଣ୍ଡିସନରେ ଗାଡ଼ି ପାଇବେ। ଗାଡ଼ି ଚଲେଇକି ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟିଏ ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ, ଗାଡ଼ି ନିଜେ ୟୁଜ୍ କଲେ ଜାଣିପାରିବେ। ଆଉ ଆର ପ୍ରାଇସିଂ ଅଛି 240,000, ସେଇଟା ବି ନେଗୋସିଏବଲ୍, ଭଲ ପ୍ରାଇସ୍ ପାଇବେ 240,000। ଆଉ ଗୋଟେ ଖାସ କଥା ହେଉଛି, ରିଫାଇନାନ୍ସ ହେଇପାରିବନି, ଓଆର୍ ଗାଡ଼ି ଅଛି, ବଢ଼ିଆ ନମ୍ବର ଅଛି, ଆପଣ 9292 ନମ୍ବର ହେଇଛି, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଗାଡ଼ି ଅଛି। ଆଉ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କଥା କହିବେ ଭାଇ, ଆମ କରିକି ଦେବେ, ଯେଉଁ ଗାଡ଼ି ସରି ହେଇଛି କରିକି ଦେବେ, ଯେଉଁଥିରେ 3 ମାସ, 4 ମାସ, 5 ମାସ, 6 ମାସ ଅଛି ସେଇଟା ଅଛି। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ନର୍ମାଲ ବ୍ରାଣ୍ଡ ପ୍ରିଫର କରନ୍ତିନି, ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସେଫ୍ଟି ଗାଡ଼ି ହିଁ ଦରକାର ସେଡ଼ାନ୍ରେ, ଖାସ କରିକି ଭୋକ୍ସୱାଗନ ଭେଣ୍ଟୋ ହିଁ ଦରକାର, ପୁଣି 1.6 ଆପଣଙ୍କ ଡିଜେଲ୍ରେ ରହୁଛି, ଆପଣଙ୍କର କହିବେ ନେଗୋସିଏସନ୍ ବି ଗାଡ଼ିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ଯେମିତି ସବୁବେଳେ କହେ, ଆମ କଥାରେ ପଡ଼ି ଗାଡ଼ି କିଣନ୍ତୁ, ନିଜେ ଆସନ୍ତୁ, ଚଲାନ୍ତୁ, ମେକାନିକ୍ ଗାଡ଼ି ସବୁ ଦେଖାନ୍ତୁ, ଫୁଏଲ୍ ଇଞ୍ଜେକ୍ଟର୍ଠୁ ନେଇକି ଚକା, ଟାୟାର, ସସ୍ପେନ୍ସନ୍ ସବୁ ଜିନିଷ ଚେକ୍ କରିକି ତାପରେ ହିଁ ଗାଡ଼ି ଫାଇନାଲ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଏଠି ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଆମର ଅଛି, ହୁଣ୍ଡା ବ୍ରିଓ ଅଛି, ଏଇଟା ଅଛି ହୁଣ୍ଡା ଆମେଜ୍, ହୁଣ୍ଡା ଆମେଜ୍ ଅଛି ଗାଡ଼ିଟି, ହ୍ୱାଇଟ୍ କଲର୍ରେ ଅଛି। ହୁଣ୍ଡାର ପ୍ରାୟତଃ ସବୁ ଗାଡ଼ିର ଫେସ୍ଟା ପୁରା ସେମ୍ ଥାଏ ଫ୍ରଣ୍ଟଟା, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ବ୍ରିଓ କହିଲେ, ତ ସେଇ ଜିନିଷ କହୁଛି। ଏଇଟା ବି ଅଛି ହୁଣ୍ଡା ଆମେଜ୍, 2014 ଗାଡ଼ି ଅଛି, ଫାଷ୍ଟ ଓନର୍ ଗାଡ଼ି ଅଛି, ଡିଜେଲ୍ ଭର୍ସନ୍, ଡିଜେଲ୍ ଡିଜେଲ୍ ହୁଣ୍ଡା ଆମେଜ୍ ଡିଜେଲ୍ ପାଇବେ। ପ୍ରାୟ ଯେତିକି ଗାଡ଼ି ଦେଖିଲେଣି, ଯେଉଁ ହୁଣ୍ଡାଇ ହୁଣ୍ଡା ଆଉ ସେଡ଼ାନ୍ ଉପରେ, ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ପର୍ପଜ୍ ପାଇଁ ଗାଡ଼ି ଆମ ପାଖରେ ଅଛି, ଯେକୌଣସି ଗାଡ଼ି ଆପଣ ବହୁତ ପର୍ପଜ୍ରେ ତାହେଲେ ହୁଣ୍ଡା ନିଅନ୍ତୁ ନା ଡିଜାଇନ୍, ହୁଣ୍ଡା ନିଅନ୍ତୁ, ଭୋକ୍ସୱାଗନ ନିଅନ୍ତୁ, ଡିଜାଇନ୍ ନିଅନ୍ତୁ, ହୁଣ୍ଡାଇ ଭର୍ନା ନିଅନ୍ତୁ, ଯାହା ନିଅନ୍ତୁ। ଆଉ କହିବା ଏଇଟା ଆମର କେଉଁ ଭର୍ସନ୍ ଗାଡ଼ି, ମିଡିଲ୍ ଭେରିଏଣ୍ଟ ନା? ମିଡିଲ୍ ଭର୍ସନ୍ ଅଛି, ଏଇଟା ଅଛି 1.2 ରହିବାର, 1.12 cc ଗାଡ଼ି ରହୁଛି। କେଉଁ ଇୟର ଥିଲା ଏଇଟା? ଅଛି 2014 ଫାଷ୍ଟ, 14 ଗାଡ଼ି ଅଛି। ଚାଲିଯାଇଛି କେତେ ରନିଂ ହେଇଛି? ସେଇ 70 ଭଳିଆ ରନିଂ ହେଇଛି, 60-70 ଭିତରେ ରନିଂ, 70,000 ଚାଲିଛି। ଆଉ କହିବା ଆମର ଆଗ ଫେଣ୍ଡର ହେଇ କଲର୍ ହେଇଛି, କଲର୍ ହେଇଛି, କଲର୍ ହେଇଛି, କ'ଣ କି ଯେକୌଣସି ଗାଡ଼ିର ମୁଁ କହିଲି, ଯେମିତି ଯେକୌଣସି ଗାଡ଼ିର କଣ୍ଡିସନ, ଯେତେ ଗୋଟେ କଷ୍ଟମର୍ଟେ ନେଇଛି ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି, ସ୍କ୍ରାଚେସ୍ ଥିବ, ଡେଣ୍ଟ ଥିବ, ଏଗୁଡ଼ାକ ଲୋକ ଦେଖିଲେ ନାହିଁ, ଏଗୁଡ଼ାକ ନାହିଁ, ଏଇଟା ଭଲ ଲାଗୁନି ଏ ଗାଡ଼ି ସେଇ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଯେକୌଣସି ଗାଡ଼ିର ଯଦି କିଛି ଟଚ୍ଅପ୍ ଅଛି, କିଛି ସ୍କ୍ରାଚେସ୍ ଅଛି କି ଡେଣ୍ଟ ଅଛି, ସେଇଗୁଡ଼ାକ ଆମେ କରିକି ରେଡ଼ି କରି ରଖୁଛୁ, କହୁଛି ବା ନୂଆ ଭଳିଆ କରିକି ରଖୁଛୁ, ନେବେ ଚଲେଇବେ। ଆଉ ଯଦି ସେ ଯେଉଁ ଭେଣ୍ଟୋଟା ଭାଇ କ'ଣ କରେଇକି ଦେବେ ଆଗ? ହଁ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ କହିଲି, କାଲି ଗାଡ଼ି ଷ୍ଟକ୍ ଆସିଛି, ସେଇଟା ବି ହେଇନି, ସେଇଟା ହେଇଯିବ କିଛି, ଫ୍ରଣ୍ଟ ବମ୍ପର୍ଟା ତା'ର ସ୍କ୍ରାଚେସ୍ ଅଛି ଖାଲି, ବାକି ଆଉ ବାକି ସବୁ ଓକେ ଅଛି, ଖାଲି ଫ୍ରଣ୍ଟ ବମ୍ପର୍ଟା ଅଛି, ଫ୍ରଣ୍ଟ ବମ୍ପର୍ଟା ସେଟା କରିବି। ଆମ ଆମେଜପୁରକୁ ଆସିବା ହେରି, ଆମେଜଟା ଆମର କେତେ ଟଙ୍କା ରଖିଛନ୍ତି ଗାଡ଼ି? ଏଇଟା ପ୍ରାଇସ୍ ଅଛି ଆମର 430,000, ସେଇଟା ନେଗୋସିଏବୁଲ, ଭଲ ପ୍ରାଇସ୍ କରିକି ଦେବି, 430,000 ନେଗୋସିଏସନ୍, ଫାଇନାନ୍ସ ବି ହେଇଯିବ, ଫାଇନାନ୍ସ ଆରାମସେ ହେଇଯିବ। ଡିଜେଲ୍ ଗାଡ଼ି ରହୁଛି, ମିଡିଲ୍ ଭ୍ୟାରେଣ୍ଟ ଆପଣ ରହୁଛି, ଆଉ ଆମର ରହୁଛି 14 ଗାଡ଼ି, 14 ଫାଷ୍ଟ ଓନର ନା ସେକେଣ୍ଡ? ଫାଷ୍ଟ ଓନର ଗାଡ଼ି, ଫାଷ୍ଟ ଓନର ବି ଅଛି, ଆପଣ ନିଜେ ଆସନ୍ତୁ, ଚଲାନ୍ତୁ, ଅଇନା ଖାସ କରି ଖରାଦିନ, ଆଉ ଗାଡ଼ି ଗାଡ଼ିର ଏସିରେ ବି ବହୁତ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି। ଏସି କଣ୍ଡିସନ ସବୁ କେମିତି? ଯେକୌଣସି ଗାଡ଼ି, ଯେତିକ ଗାଡ଼ି ଆମ ପାଖରେ ଅଛି, ସବୁ ଗାଡ଼ିର ଏସି ଚାଲୁଛି, ସବୁ ଗାଡ଼ିର ଏସି ପୁରା ଓକେ ଚାଲୁଛି, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆପଣ ନିଜେ ଆସନ୍ତୁ, ନିଜେ ଏସି ଲଗେଇକି ଦେଖନ୍ତୁ, ଚଲାନ୍ତୁ, ଠିକ୍ ଲାଗିଲେ ନେବେ, ନନ୍ ଠିକ୍ ଲାଗିଲେ ନେବେ।
ଆନଲ ଅଲଗା ଗାଡି ଉପରକୁ ଯାଇ ପାରିବେ ଆଉ ଏଇଟା ଆମର କହିବା କେତେ ଟଙ୍କା ରଖିଲେ ଆଉ ସେ କହିବେ 430,000 ଅଛି ସେଇଟା ନେଗୋସିଏବୁଲ ଭଲ ପ୍ରାଇସ୍ କରିଦେବି ଗୋଟେ ଥର ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରାଇସିଂ ଉପରେ ଆପଣ ଫୋନ୍ରେ ଆପଣ ଭଲ ଡିସକାଉଣ୍ଟ କହିଦେଲେ କହିଦିଅନ୍ତୁ କେତେ କ'ଣ ଫାଇନାଲ ନାହିଁ ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ ଫାଷ୍ଟ ଏଇଠି ବସନ୍ତୁ ଗାଡ଼ି ନିଜେ ଫିଲ୍ କରନ୍ତୁ ଦେଖିସାରନ୍ତୁ ଗାଡ଼ିର କଣ୍ଡିସନ କ'ଣ ଅଛି ନିଜେ ଗାଡ଼ି ଚଲେଇକି ଫିଲ୍ କରନ୍ତୁ ଯେ ଗାଡ଼ି କେମିତି ଲାଗିବ ମୋ ପାଇଁ କେଉଁ ପର୍ପଜ ପାଇଁ ଗାଡ଼ି ନେଉଛି ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ସୁଇଟେବୁଲ ହେଲା ମୁଁ ପ୍ରାଇସ୍ କରିକି ଦେବି ଟେନସନ୍ ନିଅନ୍ତୁନି ଆମର ଭାଇ ଯେଉଁ ଇଏ ଆମର ଡିପି କେତେ ଲାଗିଛି ଗାଡ଼ି ଡିପି ଆମକୁ 1,50,000 ଆରି ଭିତରେ 1,50,000 ଆପଣ ପ୍ରାୟ ଯେଉଁ ଗାଡ଼ି ସବୁ ନେଉଛନ୍ତି 1,50,000 ଉପରକୁ ଦେଇଥିଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଯେତେ ଆପଣ ଯେକୌଣସି ଗାଡ଼ି ବି ନିଅନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ଡିପି ହାଏଷ୍ଟ ଅଧିକ ଦେଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଇଏମଆଇଟା କମ୍ ଆସିବ ଇଏମଆଇ କମ୍ ଆସିବ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ବି କମ୍ ଆସିବ ଯଦି ଆପଣ ଡିପି କମ୍ ଦେଉଛନ୍ତି ଇଏମଆଇଟା ଅଧିକ ଆସିବ ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ବି ଅଧିକ ଆସିବ ବେଷ୍ଟ ଜିନିଷ ହେବ ଆପଣ ଅପେକ୍ଷା କରିଯାଆନ୍ତୁ ନହେଲେ ଆପଣ ଆରେଞ୍ଜ କରି ଗାଡ଼ି କିଣି ଦିଅନ୍ତୁ ଦୟାକରି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଆମର ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ଏଇଟା ଆମର ତଥାପି କେତେ 2-3 ବର୍ଷ ହେଇପାରିବ ବୋଧେ ହଁ 2-3 ବର୍ଷ ହେଇଯିବ ତଥା ଆର କେତେ 7-8 ହଜାର ଆସିବ ହଁ 7-8 ହଜାର ଭିତରେ ଆଉ ଏଠି ଆପଣଙ୍କ ଆଉ ଗୋଟେ ଫେଭରେଟ୍ ଗାଡ଼ି ଅଛି ମାରୁତି ସୁଜୁକିର ଟପ୍ ମୋଷ୍ଟ ସେଲିଂ ଗାଡ଼ି ଅଲ୍ଟୋ K10 ଅଛି ସିଲଭର କଲର୍ ଏଇ ଗାଡ଼ିଟା କହିବ ପୁରା ପାଖାପାଖି ଲାଗୁଛି କେଉଁ ଇୟର ଅଛି ଏଇଟା ଅଛି 2015 ଗାଡ଼ି ଆଜ୍ଞା 2015 ଗାଡ଼ି ଅଲ୍ଟୋ K10 VXI ମଡ଼େଲ ସେକେଣ୍ଡ ଓନର ଗାଡ଼ି କ୍ରୋମ୍ ଗାର୍ନିସ୍ ହେଇକି ଗାଡ଼ିର କଣ୍ଡିସନ ପୁରା A1 କଣ୍ଡିସନ ହେଇକି ଅଛି ନା ଆପଣ ସିଟ୍ କଭରରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ ନା ବାହାରେ କିଛି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ ନା ଡିଜାଇନିଂ ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ ନା ଆପଣଙ୍କର ଲୁକିଂ ପାଇଁ ଗାଡ଼ିର ଲୁକିଂଟା ଭଲ ଦେଖାଯାଉନି କି କୌଣସି ଜିନିଷରେ କିଛି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବନି ସବୁ ଆପଣ ଅପଡେଟ୍ କରି ଅପଡେଟ୍ କରି ରଖିଛୁ ଲୋକ ନେବ ଯେମିତି ଯେକୌଣସି ଲୋକ ବି ଗାଡ଼ିଟା ନେବ ନାହିଁ ତାକୁ ଲାଗିବ ଯେ ନାହିଁ ଗୋଟେ ଠିକ୍ ଗାଡ଼ିଟା ଆଣିକି ଆସିଲେ ମୋତେ ଠିକ୍ ଲାଗିଲା ସେମ୍ ଜିନିଷ 2015 ଗାଡ଼ି ଅଛି ସେକେଣ୍ଡ ଓନର ଗାଡ଼ି ପେଟ୍ରୋଲ ତ ରହିବ ଅଲ୍ଟୋ K10 ଗାଡ଼ି ଆଉ ଏଖଣ VXI VXI ଗାଡ଼ି VXI ଅଛି 15 ଚାଲିଛି କେତେ ରନିଂ ହେଇଛି 70,000 70,000 ଫାଷ୍ଟ ଓନର ଏ ସରି ସେକେଣ୍ଡ ଓନର ସେକେଣ୍ଡ ଓନର ଗାଡ଼ି ଅଛି ଏବେ ଗାଡ଼ି ମାଇଲେଜ୍ କେତେ ଆସୁଛି ଏହାର ମାଇଲେଜ୍ ଆସିଯିବ K10 ଗାଡ଼ିର ସମସ୍ତଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡରେ ଥାଏ ଅଲ୍ଟୋ ଗାଡ଼ି ମାନେ 20+ ମାଇଲେଜ୍ ନାହିଁ K10ରେ ଆପଣଙ୍କର 1,000 CC ଯେହେତୁ ରହୁଛି 1,000 CC ରହୁଛି ତ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆପଣ ମାଇଲେଜ୍ ଆପଣଙ୍କୁ 18-20 ଭିତରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି ଆପଣ ସେଟା ବି କାରଣ କେ ସେରିଜ୍ ଇଞ୍ଜିନ୍ ବି ଟିକେ ଆମର ଭଲ ପର୍ଫମାନ୍ସ ଦିଏ ପୁରୁଣା ମଡ଼େଲ K10 ହେଇଥିଲେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପୁରୁଣା ମଡ଼େଲ ପୁରୁଣା ସେପ୍ରେ ଥାଆନ୍ତା ଗାଡ଼ି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ମାଇଲେଜ୍ ସେଇ 16-17 ଭିତରେ ଆସିଥାନ୍ତି ଇଏ 18-19 ଆସିବ ଆରାମସେ ଆଉ କେତେ ଟଙ୍କା ରଖିଛନ୍ତି ଗାଡ଼ି ପ୍ରାଇସ୍ ଅଛି 285,000 ସେଇଟା ନେଗୋସିଏବୁଲ ଭଲ ପ୍ରାଇସ୍ କରିକି ଦେବି 285,000 ତାପରେ ନେଗୋସିଏସନ୍ ଏଥିରେ ଫାଇନାନ୍ସ ବି ଆଭେଲେବୁଲ ହେଇଯିବ ବହୁତ କମ୍ ପଇସାରେ ଫାଇନାନ୍ସ ବି ହେଇଯିବ ତାହେଲେ ଲାଷ୍ଟ କେତେ ଗାଡ଼ି ଛାଡ଼ିଦେବେ କାରଣ ଏ ଗାଡ଼ି ଲୋକ ବହୁତ ପ୍ରିଫର ଏ ଗାଡ଼ି ତ ଅବଭିୟସ୍ଲି ଯିବ ହିଁ ବାରି ଏଇଟା ଆଗ ଫାଷ୍ଟ ଯିବ ଏ ଗାଡ଼ି ତାହେଲେ ଲାଷ୍ଟ କେତେ ଛାଡ଼ିଦେବେ 285 ଅଛି କେତେ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ମୁଁ କେତେ କେତେ ହେଲେ ଦେଇଦେବି ଆଉ 225ରେ ହବ 225 ପ୍ଲସ୍ ମୋ ତରଫରୁ 5 ତୁ 30 ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ ମୁଁ ଦେଇଦେବି 230,000 ଭାଇ ଯେମିତି କହୁଛନ୍ତି ତଥାପି ଆପଣ ଅନ୍ଦି ଟେବୁଲ ବସିଲେ ଆଉ ତାପରେ କିଛି ହେଇପାରିବ ଚେଷ୍ଟା ଆସନ୍ତୁ ଭାଇ ଯେମିତି କହୁଛନ୍ତି ନାହିଁ ଅନ୍ଦି ଟେବୁଲ ଆହୁରି ବସିକି ଆପଣ କରିପାରିବେ ନେଗୋସିଏସନ୍ ସେଥିପାଇଁ କହୁଛି ଆପଣ ବାରମ୍ବାର ଆପଣ ଯେଉଁ ମାନେ ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍ ହେଇକି ଫୋନ୍ରେ ପଚାରୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ନେଗୋସିଏସନ୍ ହେଇପାରୁନି ଠିକ୍ସେ ଆପଣ ଶୋରୁମ୍କୁ ଆସନ୍ତୁ ଗାଡ଼ି ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଡ଼ି ଚଲାନ୍ତୁ ଗାଡ଼ି କେମିତି ଲାଗୁଛି ମେକାନିକ୍ ବି ଦେଖେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ନିଜେ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ ଯେ ମୁଁ ଯଦି 2-3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛି ତା ଭିତରେ ପ୍ରାଇସିଂରେ ଭିତରେ ଗାଡ଼ିଟା ଜଷ୍ଟିଫାଏ ହେଉଛି କି ନାହିଁ କେଉଁ ଗାଡ଼ିଟା ମିଳିବ ମୁଁ ଯେତିକି ପଇସା ଇନଭେଷ୍ଟ କରିବି ମୁଁ 1,00,000 ହଉ ଗୋଟେ କଷ୍ଟମର ପାଇଁ 1,00,000 ହଉ 50,000 ହଉ 20,000 ବି ହଉ ଯେକୌଣସି ପେମେଣ୍ଟଟା ତ ମୁଁ ଇନଭେଷ୍ଟ କରିବି ନା ତ ଯେଉଁ ଇନଭେଷ୍ଟ କରିବି ସେଇ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ମୁଁ ପାଇବି ଆଜ୍ଞା ଆସେଟ୍ଟା ପାଇବି ସେ ଆସେଟ୍ରେ ମୋତେ କ'ଣ ସେଥିରୁ ବେନିଫିଟ୍ ମିଳିବ କି ମୋତେ ରିଟର୍ନ କେମିତି ମିଳିବ ମୋତେ କେମିତି ମିଳିବ ସେ ତାର ବେନିଫିଟ୍ଟା ସେଇଟା ହିଁ ଦେଖିକି ନିଅନ୍ତୁ ଆଉ ଏଇଟା ଆମର ମିନିମମ୍ ଡିପି କେତେ ଲାଗିବ ଇଏ ଆପଣଙ୍କୁ 60-70 ହଜାର ଦେଲେ ହେଇଯିବ 60-70 ହଜାର ଡିପି ଦେଲେ ହେଇଯିବ କେତେ 4 ବର୍ଷ ହେଇପାରିବ 15 ଗାଡ଼ି ହଁ 3 ବର୍ଷ ପ୍ଲସ୍ ହେଇ 3 ବର୍ଷ 3-3.5 ବର୍ଷ ହେଇଯିବ ଆଧରେ ଇଏମଆଇ ତଥା ଆଭରେଜ୍ ଇଏମଆଇ ସେଇ 6,000-7,000 ଯଦି 3-4 ବର୍ଷ କରିଦେଉଛନ୍ତି ଲୋନ୍ ଯଦି ଡିପି ଆପଣଙ୍କୁ 1,00,000 ପ୍ଲସ୍ ଦେଇଦେଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଇଏମଆଇ ଆସିଯିବ ସେଇ 5,000-6,000 ଭିତରେ ଯଦି ଆପଣ ଡିପି କମ୍ ଦେଉଛନ୍ତି 60-70 ହଜାର ଡିପି ଦେଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ 8-10 ହଜାର ଭିତରେ ଆସିବ ଆଉ ଭାଇ ଆମର କହିଥିଲେ ଅଲ୍ଟୋ K10 ଆପଣଙ୍କ 15 ହିସାବରେ ଗାଡ଼ି ବି ଜଣାପଡ଼ୁନି ଗାଡ଼ି 15-17-18 ଭଳିଆ ଦେଖାହେଉଛି ଗାଡ଼ି ଭଲ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରି କିନ୍ତୁ ରଖିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଫାଷ୍ଟ ଦେଖାରେ ହିଁ ପସନ୍ଦ ଆସିଯାଇପାରେ ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ ଆମର ମାରୁତି ସୁଜୁକିର ରିଡ୍ଜ ଗାଡ଼ି ଅଛି ଯେଉଁ ଗାଡ଼ିଟା ଏବେ ମିସିଂ ମାର୍କେଟରେ କିନ୍ତୁ ଆପଣ ସେକେଣ୍ଡ ହ୍ୟାଣ୍ଡରେ ମିଳିଯିବ ଏଇଟା ପେଟ୍ରୋଲ ନା ଡିଜେଲ ଅଛି ଡିଜେଲ ଭର୍ସନ୍ ଅଛି ଡିଜେଲ ହଁ VDI ହଁ VDI ଏଇଟା ଅଛି ମାରୁତି ସୁଜୁକି ରିଚ୍ VDI ଫାଷ୍ଟ ଓନର ଗାଡ଼ି ଅଛି ଡିଜେଲ ଭର୍ସନ୍ ଅଛି ରନିଂ ବି ସେଇ 50,000-55,000 ଭିତରେ ରନିଂ ହେଇଛି ଗାଡ଼ି ବି ବଢ଼ିଆ କଣ୍ଡିସନରେ ଅଛି ସିଙ୍ଗିଲ୍ ସ୍କ୍ରାଚ୍ ଗାଡ଼ିରେ ନାହିଁ ଗାଡ଼ି ପୁରା A1 କଣ୍ଡିସନରେ ରଖାହେଇଛି ଆପଣ ଇଏ ଗାଡ଼ିର ମାଇଲେଜ୍ ବି ଆପଣ 20+ ପାଇଯିବେ 20+ 100% ଯେହେତୁ ଡିଜେଲ ଅଛି ହଁ ଡିଜେଲ କାହିଁକି ହେଉଛି ସମ ଲୋକଙ୍କୁ ଭାବିଥିବେ ଯେ ନାହିଁ ରିଚ୍ରେ କାହିଁକି ଆମେ ପାଇବୁ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱିଫ୍ଟରେ ତ ଆମର ଅଧିକ ମିଳୁଛି ରିଚ୍ରେ ନାହିଁ ତ
तो स्विफ्ट रिच सब सामान इंजन सामान खाली देखिए गला 1200 cc सेम इंजन ट्यूनिंग टा किछ एपर से उठाइता किंतु ए गाडी टा अधिक पिकअप लागियो कारण गाडी छोटो छोटो गाडी आ वेट हाई आ ए गाडी कंफर्ट आइथि पे रहबे एटा हाइट भी रहबो डीजल गाडी आ जो आमे जानु कोन पई मार्केट रो हटि होला किंतु गाडी टा देखिया को भी भल लागे आ कबे ये जे भाई कहले माइलेज आछि भिडीए आछि को इयर आछि एटा आछि 2014 रे गाडी आछि 14 रो फास्ट ओनर चल जी केते रनिंग से ही 50 to 55 thousand भीतर चलती 50 to 55 thousand फास्ट ओनर भी गाड़ी थी और कितना रक्षण भी डे प्राइस है ची 3,30,000 ओनली सेटा भी नेगोशिएबल भला प्राइस करेगी देख 3,30,000 नेगोशिएशन भी आपनों को जीवा जीवा फाइनेंस भी है जीवा फाइनेंस ही जो कितने टिप लगी हो लक्ष्य डाउन दे ले लक्ष्य डेढ़ लक्ष्य डाउन दे ले आदरी में कितने ईएमआई जे कोनो सी गाडी रो ईएमआई आपन को गेला से 7-8 thousand धरंदु 10,000 भितरे आ आपन जदी ऑल्टो होल्ट पसंद करंतन टिके हाइट वाला गाडी दरकार पावरफुल गाडी भी दरकार ऑल्टो K10 हो भी पसंद करंतन ए गाडी को जाई परियो किन गोटे कथा कह दउची ए गाडी स्पेयर पार्ट से अवेलेबल अछि सब मारुति गाडी रो जे कोनो सी गाडी जो बंद होई छि जेमि कि तार ए स्टार हो आपन रो रिच हो SX4 हो तो पार्ट सब जगह जेको गाड़ी पार्ट्स अवेलेबल रोचे आ गोटे भी जिनस कस्टमर मैं कहीदे जेको गाड़ी आप खाली मारुति कथा कहूनी मारुति छाड़ के आज चेवलेट नौ कि फोर्ड नौ कि जेको गाड़ी नौ आम ठार्दी आपर भविष्य में किसी आप पार्टस खोजन पाँ ना कि आप मैंने पार्टस आपको मिलूनी आम सहित कंटाक्ट कले आम पार्टस मगेपर कि आपको हेल्प भी करदे पार्टस पाइबार आमर कहवा यहाँ आम तथा कैसे लक्ष टा टीपी हो जाए रिड जी भिडीआई अच्छी फास्ट ओनर गाड़ी अच्छी 14 गाड़ी जदि आप ना चाहते कंटाक्ट भी आराम से करेंगे आम हुंडे एक्सेंट अच्छी ह्वाइट कलर एटा कौन पेट्रोल ना डीजल अच्छे यहाँ अच्छी डीजेल वर्सन 2018 गाड़ी यहाँ भी आप फैंसी नंबर 9988 पाए आप 18 गाड़ी अच्छी गाड़ी तो लुकिंग आप देखुं कंडीशन के अच्छी एक्सेंट अच्छी एक्सेंट प्राइम अच्छे प्राइम इ प्लस यहाँ डीजेल के माइलेज आस डीजेल टोड़ी 20+ आस 20+ माइलेज आस फास्ट ओनर कौ इयर थी 2018 चलती कैसे रनिंग 48 भाई 47 48 50,000 भितर भाई जिन चलती टायर गुड़ा भी नुआ भाला देखा आफ्टर मार्केट पड़ी बोधे हाँ आम आग टायर बोधे गोटे दुटा पड़ी जेको गाड़ी टायर उपर गले गाड़ी जेको गाड़ी टायर कौन खराब थाए पूरा खराब थाए कौन पूरा भल थाए तो सेकेंड हैंड गाड़ी तो सेटा तो रहा ऊपर तल रहा तथापि जदि आम भी चेस्टा करो गाड़ी रो टायर टोटल ना तथा आम टायर किसी पकईकि दौ आमर यहाँ भाई कह कंडीशन कंडीशन गले A1 कंडीशन में गाड़ी पाइबे 2018 गाड़ी फास्ट ओनर गाड़ी डीजेल वर्सन 20+ माइलेज फाइनान्स भी अवेलेबल सब ओके आते अच्छे यहाँ प्राइस अच्छे 5,00,000 फाइनेंस वाला पेमेंट देले आम आपको गाड़ी देने तो आमको तो सेम जिन आम आपको प्रिफर करूँ जिते आप अधिक डीपी देखिए इंटरेस्ट कम दिखाते बैंक को कहीं अधिक देते आपको डिपेंड करुच्चे क्या पाखे के बजेट रखी किए कौ टाइप गाड़ी चाहिए कौ पर्पोज पे चाहिए तो कौपी कौन के डीपी दबा से डिपेंड करुच्चे आईटा 18 था डीजेल फास्ट ओनर भी फास्ट ओनर गाड़ी तापर आउ गोटे जिनस जी गाड़ी एतिक गाड़ी आप देखे आपे तो ये देखते को गाड़ी कंडीशन आप खराब लगेगा ये जिनसा मतलब गाड़ी आम देखे बहुत जिन मानते प्रोब्लेम लगुन कि बेले बेले कौन हुए ना आम जो प्राय गाड़ी कहे डीजेल गाड़ी डीजेल गाड़ी बहुत लोग भी पछता गाड़ी नहीं गाड़ी कौन कहे जो भोक्स वैगन गाड़ी हो कि आम मार्चिक तो आम अल्प कि भोक्स वैगन हो स्कोडा हो ये जो गाड़ी मेंटेनेंस आसे लोक बहुत बाधे कहीं लोक किए 2,00,000-2,50,000 दे गाड़ी कि गाड़ी पार्ट्स तो पड़े से 8-9 lakh भाया से अधिक बाधे आ भाई जी कौन आप भल अच्छी कंडीशन
ଆପଣ ଆସିକି ପ୍ରିଫର ନିଜେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେକୌଣସି ଗାଡ଼ିର ମୁଁ କହୁନି ଯେଉଁଟା ଆପଣ କହିଲେ ସେଇଟା ହେଉଛି ବି ପ୍ରାୟ କଷ୍ଟମର ସହିତ ଡିଜେଲ ଗାଡ଼ିରେ ହେଉଛି ଯଦି ଡିଜେଲ ଗାଡ଼ିରେ ଯଦି ସେଇ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ବି ଅଛି ଆମର ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ବି କହିଦେଉଛି ଆମର ଗ୍ୟାରେଜ୍ ବି ଫାସିଲିଟି ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଅଛି ଯଦି କୌଣସି ଗାଡ଼ିରେ ଆପଣଙ୍କର କାମ କରିବାର ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ଆମ ପାଖରେ ଆଣିକି କରିପାରିବେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆମଠାରୁ ଯଦି ଯେକୌଣସି ଗାଡ଼ି ଆପଣ ନେଉଛନ୍ତି ଯେକୌଣସି ଗାଡ଼ି ସେ ଛୋଟଠୁ ବଡ଼ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେକୌଣସି ଗାଡ଼ି ଆପଣ ନେଉଛନ୍ତି ତ ସେ ଗାଡ଼ିର ଯଦି ଆପଣ ଅଏଲ୍ ଚେଞ୍ଜଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଗାଡ଼ିର କିଛି ଭବିଷ୍ୟତରେ କିଛି କାମ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ୱାନ୍ ଇୟର୍ ପାଇଁ ରହିଛି ଯେକୌଣସି କାମ ଆମ ପାଖରେ କରିବେ ଯେଉଁଠି ବି କଲେ ତ ଲେବର ଚାର୍ଜେସ୍ ତ ଦେବେ ଆପଣ ଶୋରୁମ୍ ଯିବେ 200 ଟଙ୍କାର କି 300 ଟଙ୍କାର ପାର୍ଟ ପଡ଼ିବ 700 ଟଙ୍କା ଆପଣଙ୍କର ଲେବର ପଡ଼ିବ ନିଶ୍ଚିତ ଯଦି ଗୋଟେ 1000 ରୁପି ମାନେ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଅଛି GST ଅଛି ଆମର GST ବି ଅଛି କିନ୍ତୁ ଯେକୌଣସି ଗାଡ଼ିରେ ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି ଆମ ପାଖରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଯଦି ଗାଡ଼ି ଆମଠୁ ଯଦି ଗାଡ଼ି କିଣିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ କେବଳ ପାର୍ଟସ୍ ପେ କଷ୍ଟ ଦେବେ ଲେବର ଚାର୍ଜେସ୍ ଫୁଲି ଫ୍ରି ବଢ଼ିଆ ସିଷ୍ଟମ ଯାହା ରଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ ପାଖାପାଖି ଏରିଆରେ ରହୁଛନ୍ତି ଆସିକି ସର୍ଭିସର ଫାଇଦା ବି ଉଠାଇ ପାରିବେ ଆମ ଲୋକେସନ କେଉଁଠି ଅଛି ଲୋକେସନ ହେଉଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ସମ୍ ହସ୍ପିଟାଲ ସମ୍ ହସ୍ପିଟାଲ ପୂର୍ବରୁ ପଡ଼ିବ 500 ମିଟର ପୂର୍ବରୁ ପଡ଼ିବ ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ରୋଡ଼ ଉପରେ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ ତ ଯଦି ଆପଣ କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓ ପଟୁ ବି ଆସୁଛନ୍ତି ତ ସେପଟେ ବି ଆସିଲେ ଆପଣ 600 ମିଟର ଆଗକୁ ଆସିବେ ସମ୍ ଆଡ଼କୁ ସମ୍ ଅନ୍ୱାର୍ଡ଼ସ୍ ଆସିଲା ବେଳକୁ ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ 600 ମିଟର ପରେ ରୋଡ଼ ଉପରେ ହିଁ ପଡ଼ିବ ତାର ବଜାର ଗୁଗୁଲ୍ ମ୍ୟାପ୍ସରେ ଅଲରେଡ଼ି ଲୋକେସନ୍ ଅଛି ତଥାପି ଆପଣ ନମ୍ବର ଦେଇ ଦେଇଛି ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରନ୍ତୁ ସବୁ ଜିନିଷ ବୁଝିକି ଟାଇମ୍ ନେଇକି ଆସନ୍ତୁ ପଚାରି ଦିଅନ୍ତୁ ଆପଣ ଯଦି ଏଇ ଗାଡ଼ି ଅଲ୍ଟୋ ଗାଡ଼ିଟା ପସନ୍ଦ ଯଦି ଗାଡ଼ିଟା ପଳେଇଥିବ ଆପଣ ଆସିକି ଫାଇଦା ହେବନି ଆପଣ ପଚାରି ଦିଅନ୍ତୁ ଗାଡ଼ିଟା ଅଛି କି ନାହିଁ ଫୋନ୍ କରି ପଚାରି ଦିଅନ୍ତୁ ତାପରେ ଆସନ୍ତୁ ନିଜେ ଚଲାନ୍ତୁ ମେକାନିକ ଦେଖାନ୍ତୁ ନୋ ଇସ୍ୟୁ କାହାକୁ ବି ଦେଖିପାରିବେ ଆପଣ ଶୋରୁମ୍ରୁ ମେକାନିକ ଆଣନ୍ତୁ କି ପର୍ସନାଲ ଆପଣଙ୍କର ଡ୍ରାଇଭର ନେଇକି ଆସନ୍ତୁ କାହାକୁ ବି ଦେଖାନ୍ତୁ ନିଜେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଠିକ୍ ଲାଗିଲେ ନେଇକି ଯିବେ ପ୍ରାଇସିଂ ଉପରେ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ ପ୍ରାଇସିଂ ଇଏରେ କହୁଛନ୍ତି ନାହିଁ ପ୍ରାଇସିଂ ହାଇ ରହୁଛି ଇଏ ରହୁଛି ସେଥିପାଇଁ ଟେନସନ୍ ନିଅନ୍ତୁନି ପ୍ରାଇସିଂ ଯାହା କହୁଛୁ ଆମେ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ପ୍ରାଇସ୍ ଉପରେ ଧରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଆସନ୍ତୁ ଏଇଠିକି ଭଲ ପ୍ରାଇସ୍ କରିକି ଦେବି ଏଇଟା କହୁଛି ଆମର ବାର୍ତ୍ତା ରହିଲା ଆଉ ତେବେ ରାଜେଶ ଭାଇଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଏତେ ସମୟ ଦେଇଥିବାରୁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ଏମିତି ସବୁ ଜବରଦସ୍ତ ଗାଇଡ଼ର ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ଓଡ଼ିଆ ଟେକ୍ ଟିପ୍ସକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗେ ଲାଇକ୍ ଏବଂ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଆଇଡ଼ି ବି ଆପଣ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଦେଇଦେଇଛି ଯାଇକି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଫଲୋ କରିପାରିବେ ଆଉ ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଗାଡ଼ି ଡେଲିଭରି ଭିଡ଼ିଓର ଯେଉଁ ବାଇଙ୍ଗ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କଷ୍ଟମରଙ୍କଠୁ ଶୁଣିବା ପାଇଁକା ତଳେ ନମ୍ବର ଆସିଛି ଆମକୁ ବି କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିପାରିବେ ଆଉ ମତାମତ ଦେବାକୁ ଯେମିତି ନ ଭୁଲନ୍ତୁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜେଶ ଭାଇ ମୁଁ ରହିଲୁ ନମସ୍କାର।